हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11/11 और आज मैं यहाँ लेके आया हूँ करंट फीलिंग्स के वीडियो। तो जी हाँ, अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं या फिर आप अभी जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये आपके पास्ट पर्सन हो सकता है, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, खास करके क्रश भी हो सकता है। तो जो भी हम देखेंगे जनरल रीडिंग है, तो जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। ऐसे मत बोलिएगा कि भैया ये चीज़ मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि ये जनरल है, आपके साथ शायद हो सकता है रेजोनेट नहीं कर सकते, किसी और के साथ रेजोनेट करेंगे। तो ऐसे ही ओके। और कमेंट सेक्शन पे अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई भी स्कैमर्स को रिप्लाई मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। चलिए, आज तो मूड बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, सो एनर्जी बहुत अच्छा ही होगा। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी। लाइक कर दीजिए इस वक्त वीडियो को प्लीज। वाओ, आ गया किंग ऑफ कप्स। तो मतलब आपके पर्सन सोच तो रहे बहुत अच्छे से, बट कुछ हद तक मेरे को लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा बहुत खुद के बारे में भी सोच रहे हैं। तो कुछ ऐसा बात वो आज सोच रहे हैं जो शायद वो आपसे कभी भी शेयर नहीं किए हो, या आपके बारे में ही वो सोच रहे हैं, बट उसके मन में बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल्स चल रहा है। आप देख सकते हो ऐसे किंग को, लाइक अगर आप इस कार्ड को डिफरेंट तरीके से देखोगे, एक राजा जो जल के अंदर बैठा है, यानी कि एक ऐसे पर्सन जो सबको खुश करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर खुश करने के लिए या तो आपको कुछ बोला है बट आपको खुश नहीं कर पाए हैं। तो हो सकता है कि ये अभी बहुत डीप रूटेड कुछ सोच में पड़े हैं। हो सकता है ये आपको रिप्लाई नहीं किया है, मैसेज का जवाब नहीं दिया है, इसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है। देखो एक कैंडल्स तो बुझ गया है, तो डेफिनेटली कुछ चल रहा है उसके मन में, घुटन सा हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि वो उसका रोना आ रहा है, बट फिर भी खुद को रोक रहे हैं। उसके पास्ट के बारे में सोच सोच के भी वो काइंड ऑफ रो रहे हैं, बट कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि ये अभी ये सोच रहा है कि ये आपके साथ कुछ अनफेयर चीज़ें किया है। शायद जो प्यार आपने इसको काइंड ऑफ करते हो, शायद उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया है। तो इसके बारे में ये सोच रहा है कि कैसे वो आपको फिर से खुशी दे सके, कैसे वो आपको फिर से काइंड ऑफ सरप्राइजेस दे सके। तो ऐसे कुछ चल रहा है उसके दिल में, अभी देखूंगा। ऐसा तो चल रहा था, उसके बाद डायरेक्टली आ गया फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत बिजी है या फिर क्लूलेस है आपके बारे में, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर कोई पॉइंट को मिस कर रहा है। आप एक एक दिन खुश नहीं हो, बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अपने फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। मैं मानता हूं कि आपके पार्टनर भी प्रॉब्लम में है, बट आपके साथ उसका कनेक्शन नहीं है। ये चीज वो इग्नोर कैसे कर सकता है? मतलब आप इमोशनली लो फील कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो इनडायरेक्टली, वो चीज समझ नहीं पा रहे, वो अपने धुन में व्यस्त है। आई कैन से हियर कि उसको ना कुछ हद तक पता नहीं चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हो और अब क्या बोल रहे हो। मैं देख सकता हूँ आप कुछ चीज़ छुपा रहे हो, वो भी कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट उस चीज़ को वो बोल नहीं पा रहे, और आपको लग रहा है कि शायद वो अभी प्यार ही नहीं कर रहा है। सो मैं देख सकता हूँ वो बहुत बिजी है, वो जैसे आपको प्यार करना चाहते हैं ऑलवेज, वो नहीं कर पा रहे। तो वो मिस तो कर रहे बट उसका एक्सप्रेशन बहुत गंदा है। तो हो सकता है कि मान लो ये आप चाहते हो कि वो एक बार आपके पास आए, आपको समझाए, वो आपके पास आए, आपको सपोर्ट करे, कम से कम 2-3 बात तो बोल दे, कम से कम थोड़ा सा टाइम तो दे दे। आप तो उसके आप सिर्फ उससे उसका वक्त मांग रहे हो, कोई कुछ चीज़ आप नहीं मांग रहे हो। ना तो आप उसके दौलत को प्यार करते हो, ना तो आप उसका शौहरत को प्यार करते हो, आप सिर्फ उसको प्यार करते हो। बट ये चीज़ उसको भी पता है, बट फिर भी ना ये अपने काम में, अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा उलझे हुए है कि टाइम नहीं निकाल पा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, परिवार एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है या फिर उसके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हिस्सा है, या फिर थर्ड पार्टी एक हिस्सा है, जिसके कारण वो अभी भी आपको 100% नहीं दे पा रहा है, बट वो भी घुटन सा महसूस कर रहा है। मैं यहाँ पे कुछ स्पेल वर्क देख रहा हूँ, तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने कुछ स्पेल कराने की कोशिश किए हो आपके पार्टनर के ऊपर, और इसीलिए आप दोनों के बीच में अचानक कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो गया। हो सकता है अचानक ब्रेकअप, हो सकता है अचानक वो चेंज हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ करवाया है यहाँ से किसी और के थ्रू।
यानी कि कोई तांत्रिक के थ्रू या फिर कोई हीलर के थ्रू। उसके बाद सेवन ऑफ शोर्ट्स, ओ माय गुडनेस। देखो यहाँ पे बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपके पार्टनर झूठ नहीं बोल रहा है, आपके पार्टनर चीज़ों को छुपा रहे हैं। सेवन ऑफ शोर्ट्स मतलब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आदमी है ये अपने मुंह को छुपा रहे हैं और ये बुक्स को चुरा रहे हैं इस लाइब्रेरी से। अब ऐसा हो सकता है कि ये बुक्स को क्यों चुराएंगे, हो सकता है कि ये बुक्स अगर इस लाइब्रेरी पे रहेंगे तो शायद कोई और आके इस बुक्स को नष्ट कर सकता है। तो कुछ चीज़ इसको पता है कि हो सकता है कि ये अपना इमोशंस को इसीलिए छुपा रहा है क्योंकि ये अभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे फ्रॉम हीज और हर हार्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, लव से डरते हैं, अटैचमेंट से डर लगता है इसको, कमिटमेंट से डर लगता है इसको, और ये चीज़ को बोल नहीं पा रहा है, कोई डिफरेंट इश्यूज दे रहा है जो इश्यूज मीनिंगलेस है। तो हो सकता है कि आप कोई आपके पर्सन को देख रहे हो पूरा दिन ऑनलाइन बट आपसे बात नहीं करता है, आपके पर्सन को देख रहे हो कि लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं बट आपसे कुछ बात नहीं शेयर कर रहे। इसका रीज़न ये है कि ये अभी तक इनसिक्योर है, इसका पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुआ है और ये अभी भी आज ऐसे ही मूड में है कि आपसे वो बात तो कर रहे बट फॉर द सेक ऑफ बात। बट धीरे धीरे आपके ऊपर इसका लाइकिंग्स आ रहा है, धीरे धीरे इसका आपको ये याद कर रहे और इसको पता है कि आप ही के साथ इसको फ्यूचर में जाना है, बट फिर भी ये सब बच्चों जैसे हरकतें कर रहे। तो अभी आप दोनों के वाइब्स को चेक करूँगा, चलिए देख लेता हूँ कि वाइब्स कैसा है दोनों के, क्यों ऐसे लुक हाइड एंड सीक गेम चल रहा है। सेवन ऑफ वंस मान के देखो, क्योंकि ये आपके जो पर्सन है ना ये अभी कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये कुछ सबक सिखाना चाहते हैं आपको, या फिर ये काइंड ऑफ इतना बिजी है कि आप इसको अगर कॉल या मैसेज कर देते हो तो ये बहुत चिढ़ जाता है। मैं देख रहा हूँ कि उनसे कुछ मैसेजेस नहीं आ रहे, तो ईगो इशू है। हो सकता है कि आज भाई आपका ईगो बहुत हाई है तो आपने आज शायद सोचे हो कि इसको मैं एक बार भी मैसेज नहीं करूँगा और देखे हो कि उसके तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आए, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। ऐसा हो सकता है कि वाइब्स में मैं देख सकता हूँ कि आप ऐसा फील कर सकते हो कि वन साइडेड लव, टेकन फॉर ग्रांटेड लव, ऐसा मैं देख सकता हूँ। सेकेंड चीज़, उसके बाद आज का कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाय भगवान, जिस दिन आप दोनों का वाइब्स में नहीं मैच कर रहा है और उसी दिन ही आज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनके, तो मैं देख सकता हूँ आप बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहे हो, रेनबो के साइन है मतलब होपफुल तो हो रहे हो बट आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक भी हो रहे हो, यानी कि आप बोल रहे हो कि मेरे को आपकी ज़रूरत है। आज के दिन अगर आप ही मेरे को नहीं मैसेज करते हो तो मैं कौन से बेसिक पे आपके पास जाऊं, मैं कैसे मेरे फैमिली को समझाऊं, अगर आप ही मेरे को वैलिडेशंस नहीं दे रहे हो तो मैं कैसे आपके लिए फाइट करूं। तो आपको फाइट करने के लिए तो कुछ मेरे को मौका ही देना होगा, राइट? तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शादी के लिए आज बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए है, तो हो सकता है आप मन ही मन बोल रहे हो कि इसके साथ फ्यूचर कैसे आगे बढ़ाएंगे, आप इसके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे क्योंकि कुछ नहीं तो दिख रहा है आपको फ्यूचर में। ये वाइब्स है, हाँ ये आउटकम नहीं है, ये वाइब्स है। उसके बाद देखो क्या वाइब्स आया है सन, और उसके बाद देखो क्या वाइब्स आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद एक हो जाओगे। हो सकता है ना आज आप लोग बहुत ज़्यादा रोए हो, और कौन से कारण के लिए रोए हो, हो सकता है कुछ ऐसे कारण जो शायद आपने नोटिस कर रहे थे दो तीन दिन से, बट अचानक आपके पार्टनर के साथ आपका बात हो सकता है मिडनाइट पे, लेट नाइट पे, कल सुबह, और वहाँ पे मूड एनलाइटेंड हो जाएगा। लाइक मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन आपके मैनिफेस्टेशंस के ऊपर काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशंस के द्वारा वो शायद आ रहे हैं, या फिर आपके पर्सन अचानक आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर रिकंसिलिएशन बोल सकता हूँ। वाइब्स में देख सकते हो कि उसका ड्रीम्स या फिर उसके तरफ से कोई मैसेज अचानक आएगा, या फिर अचानक वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, या फिर बहुत अच्छे डिस्कशन हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि शायद आप जो रोए थे या फिर जो ड्रामेटिक सिचुएशंस क्रिएट किए थे वो कुछ ज़्यादा ही किए थे। तो कुछ मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी चल रहा था, उसके बाद आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें और यूनिवर्स को नेगेटिव तरीके से कुछ बोले कि यूनिवर्स आप मेरे नहीं सुनते हो, और रोए भी। एंड देन एंड देयर मैं देख सकता हूँ कि वाइब्स चेंज हो रहा है और वो पर्सन आ रहा है और थोड़ा सा मूड
इनलाइटेंड हो जा रहे हैं, यहां तक कि मैं देख सकता हूं कोई नेक्स्ट पर्सन भी आपको इस टाइम पे आपको टाइम दे सकता है, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड फीमेल मेल, आपके दोस्त, आपके हिडन क्रश, या फिर आपके फेवरेट सेलिब्रिटी, या फिर आपके कोई अचानक सा आपका कुछ अच्छा रीडिंग या फिर कुछ चीज आपको मिल जा रहा है जहां पे आपका वाइब्स हाई हो रहा है और आप उतना ज्यादा नहीं रो रहे हो। ये तो रहा वाइब्स और ये तो रहा उनके फीलिंग्स। अभी देखता हूं कि उनके एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है। टैरोट प्लीज बता दीजिए उनके नेक्स्ट एक्शन। वाओ, पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट एक्शन मतलब वो आपके पास आएंगे कुछ ऑफर लेके, ऑफर वगैरह ये सब छोड़ो, साफ साफ बात है वो कुछ काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ एक्सक्यूज लेके आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको कॉल करके बोल सकता है कि आपके पास कोई चीज़ है कि नहीं, कोई बहाना ढूंढ रहे वो आपसे बात करने के लिए, और नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो आएंगे पूछेंगे और चला जाएंगे। बट उसका इरादा यह है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप दूसरों के साथ बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहा है, इमोशनली आपको मेंटल मैसेज सेंड कर रहा है, और शायद इसके बारे में आप ड्रीम में देख रहे हो या फिर इसका नाम देख रहे हो, आज इसका बहुत याद आ रहा है और आपको भी उसका बहुत याद आ रहा है और ये भी आपको याद कर रहे हो। तो कुछ ऐसा सीन हो रहा है कि आप लोग अननोइंगली एक दूसरे से मिल सकते हो या फिर अननोइंगली एक दूसरे से बात कर सकते हो, नंबर डायल कर दे सकते हो और अचानक उसका कॉल आपके पास आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं अभी फ्यूचर कैसा लग रहा है इस कनेक्शन का, फ्यूचर कैसा लग रहा है। वाओ, फ्यूचर आ रहा है नाइट ऑफ शोर्ड्स, यानी कि देखो फ्यूचर में यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो आप लोग ना टू मच कमिटेड हो जा रहे हो एक डिसीशंस के ऊपर, या तो शादी के लिए, या तो रिलेशनशिप के लिए, या तो उसके कोई चेंज कराने के लिए, बट टू मच कमिटमेंट इज नॉट गुड। यूनिवर्स बोल रहे कि एक बैलेंस रखो, स्पेस दो, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो एंड उसको उसके तरीके से आपको अपनाने दो, कोई भी चीज को फोर्स मत करो। आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो और वेजिटेरियन हो, खाना तो पकाते ही हो, तो अगर हम लोग आलू को उबालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस आई एम अ कुक तो आई नो, एक सिटी के लिए तो वेट करते हैं, क्या हम लोग बार बार कुकर के ढक्कन को खोल के देखता है कि आलू सही से हुआ कि नहीं, नहीं राइट। हम लोगों को पता है कि जब आलू सही से काइंड ऑफ कुक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सिटी आ जाएगा। सेम सिचुएशन फॉलो करके चलो, ऑटोमेटिक ये चीज रिजॉल्व हो जाएगा। ये तो रहा टैरोट का बात, अभी मैं सोल जर्नी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, क्या आप लोग सही जर्नी में हो, क्या होने वाला है और कैसा चल रहा है। चलिए पास्ट को थोड़ा सा सोल जर्नी से देख लेते हैं। देखो पास्ट में आता है आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ, तो शायद आप लोग कुछ ऐसे मुद्दे के ऊपर बात किए हो या फिर सोचे हो जो चीज आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि ये बात आप करेंगे, ये बात आपका हमेशा टाल दे रहे हैं आपके पर्सन, या फिर हमेशा ये टॉपिक पे बात नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे बात आप बात किए जो चीज को लेकर आप बहुत दिन से सोच रहे थे, या फिर बात मन ही मन किए, या फिर उसकी वजह से बवाल हो गया। सेकेंडली फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, आज 11/11 पोर्टल भी है, आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट भी किए हो, स्पेल भी किए हो, तो आप लोग साइकिल ट्राई कर रहे हो, हो सकता है ये जो सन कार्ड आया है इसका ही इंडिकेशन है, हो सकता है वो आ रहा है, उसका मैसेज आ जाएगा, या फिर वो आपको बहुत अच्छे से अच्छा महसूस कराएगा। जर्नी वाइज तो ठीक ही लग रहा है। उसके बाद आ रहा है वाओ, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड योर लाइफ, इन योर लाइफ। सो मैं देख सकता हूँ आप लोग ना उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो आपके जो इग्नोर का प्लान जो था, ये फिर साइलेंट जोन में डालने वाला जो प्लान था, ये सक्सेस हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस रिलेशनशिप पे आ रहा है, बट थोड़ा देर, थोड़ा मतलब थोड़ा सा सबर करो, ये आ रहा है बहुत जल्दी। चाहे ये आप दोनों ट्विन फ्लेम में हो, चाहे आप दोनों मैरिड कपल हो, या फिर चाहे आप दोनों सेपरेशन फेज में हो और रिकंसिलिएशन फेज में हो, आपका जीत पक्की है। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिए और प्लीज लिख दीजिए 1111 कमेंट पे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।